धन्यवाद देना चाहता हूं जो शायद आपको अच्छा लगेगा। मेरी प्रार्थना थी देश के लिए कि हे परवरदिगार, हे भगवान, हमारे देश की डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी हो। हर मजहब हर काम के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहे हैं। मजहब को घर की चार दीवारी तक रखें और घर से बाहर आए इंसानियत की बात करें, देश की बात करें, आपस की बात करें, भाईचारे की बात करें। मेरी दुआ थी कि पंजाब से आसाम तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत देश को अपनी मां समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करे। हमारी सरकार, हमारे सरकारी कर्मचारी भारत देश को अपनी मां समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करें। हम भारत को मां कहते हैं, मां समझना भी शुरू कर दो दोस्तों। जिस दिन मां की तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा उसकी आंख फोड़ देंगे आप। और मैं अपने लिए नहीं, मैं दुनिया भर की इंसानियत के लिए भी कहता था कि हमारे देश से, दुनिया से ड्रग्स, माफिया, क्राइम, टेररिज्म, कट्टरपंथी, करप्शन, अनपढ़ता, गुर्बत जड़ों से खत्म हो जाए। और ये सारा ग्लोब, ये पूरा जमीन एक जन्नत बनकर रह जाए। हम बना सकते हैं दोस्तों, अब भी बना सकते हैं। वो प्रार्थना जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूं वो रंग ला रही है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही है। अब देखते जाइए क्या होने वाला है। मेरी प्रार्थना उसने सुनी है और अच्छा ही होगा। आप समझते हैं क्या अच्छा होगा। और मैं जाने कितने सालों से अपनी फिल्मों के माध्यम से जी भर के प्यार बांटता आया हूं और उससे कहीं ज्यादा प्यार आप सबने मुझे दिया है, जो अपने दिलों से मुझे निकाला नहीं बल्कि आदर सम्मान देकर मेरे हौसले को बुलंद रखा है। आज उसी प्यार के हक से पूछना चाहूंगा, मुझे मेरा हक देंगे? मुझे मेरा हक देंगे? हेमा गौस का हक देंगे? तो उस हक से मैं मांग रहा हूं, हेमा की जीत, बहुत बड़ी जीत मांगता हूं। हिंदुस्तान में नकारा बच जाए कि ऐसी जीत पहले नहीं हुई। वो जीत हम आपके सहयोग के बगैर नहीं जीत सकते बच्चों। आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। मैं इसी भरोसे पे आया हूं कि हमारे कदम के साथ कदम मिलाएंगे आप। और मैं वादा करता हूं एक बहुत अच्छे भविष्य का आपके लिए। एक मसीहा मिल गया है आपको, आप समझते हैं कौन मसीहा है। जिस नगरी के फकीर बादशाह होते हैं, उस नगरी के फकीर बादशाह होते हैं। और मैं इस उम्र में आपके सामने, आपके रूबरू हूं। एक किसान की क्या हिम्मत होती है, किसान क्या कर सकता है। हमें गुस्सा भी आता है, हम जज्बाती भी हैं। माँ कुदरत की गोद में पले हुए हमें मालूम है, फिर भी हम देशभक्ति नहीं भूल सकते। हजार गुस्सा हो, हजार आपको फुसलाए, बहकाए, इधर जाओ उधर जाओ, दोस्तों इस वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। इस वक्त को हाथ से मत को देना, ये भूमि जहां आत्मा कहती है उसकी तरफ जाओ। मैं जानता हूं आपकी आत्मा क्या कह रही है। और उस बूढ़े किसान की एक मजहब ने जो लिखी, आपने जो लिखी है, वो हर किसी पे लगती है। आप सब उम्र वाले भी, कि मट्टी का बेटा हूं, मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुराकर चंद सांसे में चीर के सीना धरती का फसल नहीं कबूलूंगा। और खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। और फिर होके लथपथ मट्टी में मैं खेतों के तो भागूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। ये उत्साह चाहिए आदमी, ये मौका मत भूलना दोस्तों। किसी के बहकावे मत आ जाना। मैं दिल की बात करता हूं, मैंने अपनी बातें की
चौथी जमात से मैं क्यों ऐसे हुआ, आज मैं वैसे हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार करते हैं, मुझे मालूम है दुनिया मुझे प्यार जी भर के प्यार करते हैं। इस प्यार को पाना बहुत मुश्किल है, ये मेरे किरदार ने, धर्मेंद्र सिंह ने ये प्यार मुझे दिलवाया है, उस जात ने ये सम्मान मुझे, इस किसान ने ये सम्मान दिलाया है, और मैं उसका हमेशा आभारी हूँ, हमेशा उससे पूछता हूँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। और धर्मेंद्र सिंह जब कहते हैं कि हाँ धर्म ये सच्चाई का रास्ता चल तो चल पा, और मैं चल पड़ता हूँ। आज भी मैं एक ऐसे रास्ते पर आया हूँ, आप लोगों से एक विनती कर रही हूँ, आपका सहयोग मांग रही हूँ, मुझे यकीन है आप मुझे सहयोग दिए। एक दफा मैं चाहता हूँ जो हमारे हक में हाथ उठा सकते हैं हक उठाओ, आप हक देंगे, आप हमें हमारा हक देंगे, हमारा हक देंगे, जीते रहिए, आपको जी जान से प्यार। मैं फिर कभी आके किसी सर्दियों की शाम किसी घर के किसी चौके में रोटी खाने जरूर आऊंगा। ये बातें ये दावल नहीं कर रहा हूँ, वो दिल की बातें कर रहा हूँ, वो बातें फिल्मी बातें मैं नहीं करता, मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ, पहले एक इंसान हूँ फिर एक एक्टर हूँ। हर काम करने के लिए आदमी को अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। आप कितने बड़े एक्टर बन जाइए, आप किंग बन जाइए, क्या बन जाइए, लेकिन अगर आप इंसान नहीं आप कुछ नहीं है।